हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम टू दी चैनल। सो क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। ऑल्सो इंट्रोडक्शन लेंदी हो जाता है, सो आई डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसके दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नाउ वी मूव टू दी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर पार्ट 1। सो चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगी, जैसे कि आई होप आपको ये सब पता ही होंगी पहले से। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सभी नंबर्स 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग होती है, काउंटिंग नंबर्स, रिमेंबर दिस, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रूट वाले नंबर्स, ये सब नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। 1 से लेके जहां तक भी काउंटिंग आपको आती है, वो सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, सो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एन कैन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां तक भी है। ठीक है, देन होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या होता है? सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, इसमें बस एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है। जब हमने नेचुरल नंबर्स की बात करी, उसमें जीरो नहीं था, 1 से स्टार्ट हुआ था। जब हम जीरो भी साथ में ले लेते हैं, तो वो हमारा होल नंबर्स हो जाते हैं। ऑल्सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, सो जीरो अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर टूगेदर कॉल्ड होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, अगेन जितने काउंटिंग नंबर्स है सभी। ठीक है, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? सो ऑल नंबर्स फ्रॉम, अब देखो यार, नेगेटिव नंबर्स भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। तो इसमें मतलब हमारा एक्स्ट्रा जो एड हो गया, दैट इज ऑल दी नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सभी नेगेटिव नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, नेक्स्ट है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो चैप्टर का नेम भी है, बेसिकली इसमें दो चीजें आती है, ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसा नहीं है कि रैशनल नंबर और इरैशनल आप पहली बार सुन रहे हो, नाइन्थ क्लास में भी हम करके आए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे होता क्या है रैशनल और इरैशनल नंबर्स। सो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। किसी भी नंबर को अगर आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो एक रैशनल नंबर होगा, जिसमें Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे 5 का एग्जांपल लिया। सो अगर हम 5 देखें, सो 5 नंबर को आई कैन राइट इट एज 5 अपॉन 1। सो अगेन P बाय Q की फॉर्म में है, सो मतलब ये 5 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से -7 ले लिया, अगेन -7 अपॉन 1 लिख सकती हूँ मैं। सो ये -7 भी मेरा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, सो जिस भी नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। ओके, देन इरैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P बाय Q, ऐसे नंबर्स इनको हम P बाय Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड हूज डेसिमल एक्सपेंशन आर non-terminating and non-recurring। और उसका जो decimal expansion होता है, मतलब उसके जब decimals में निकालते हो आप उसको, तो they are non-terminating, मतलब उसका division कभी खत्म ही नहीं होगा, वो चलता जाएगा। ठीक है, कभी भी remainder zero नहीं आएगा, मतलब remainder will never be zero। तो ये हो गया हमारा non-terminating and non-recurring, also repeat भी नहीं करेगा। जैसे अगर हम example ले लें 3.33333, तो यहाँ पे ये 3 रिपीट कर रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इरैशनल नंबर, तो उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो रिपीट भी नहीं करेगी। जैसे अगर नंबर है, लेट्स सपोज 7.01, आगे आ जाएगा 001, देन 0001। अभी क्या हो रहा है, एक तो कहीं पे भी ये खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से देखो हर बार कुछ एक्स्ट्रा आ गया, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है रियल नंबर्स का, उसके सॉरी इरैशनल नंबर्स का। उसके अलावा जितने हमारे रूट में नंबर्स होते हैं, रूट में नंबर्स लेकिन प्राइम नंबर्स, क्योंकि देखो अगर रूट में 4 है, तो वो तो 2 के इक्वल हो गए, ये तो मेरा रैशनल हो गया। ठीक है ना, तो जितने प्राइम नंबर्स अंडर रूट में होते हैं, ये वाले नंबर्स, पाई, ये सब इरैशनल नंबर्स में आता है। ठीक है, ऑल्सो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू होता है, इरैशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, मतलब उनके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1, क्योंकि 1 ऐसा है जो हर किसी का फैक्टर होता है, या हम कह सकते हैं अगर आप 1 का टेबल लिखोगे, तो 1 की टेबल में
हर नंबर आता है और अपने नंबर में, हर नंबर अपने टेबल में तो आता ही है. सो प्राइम नंबर्स को हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स, इसको रीड कर लेते हैं. द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन विच आर डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर. सिंपल वर्ड्स में आपको समझा चुकी हूँ, वही यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है. ऐसे नंबर्स वन से बड़े जो कि वन से डिविजिबल है और अपने ही नंबर से डिविजिबल है आर कॉल्ड प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स, उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ. एक तो वन सबका, वो तो सबका ही फैक्टर होता है, और साथ में नंबर इटसेल्फ मतलब वही नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू है तो टू और वन इसका फैक्टर होगा. टू के टेबल में टू आता है और वन के टेबल में टू आता है, और किसी के टेबल में टू नहीं आता. सिमिलरली थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, नाइनटीन, सेवनटीन, सो 23, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं या वन के टेबल में आते हैं. नाउ द बिग थिंग हियर इज कि बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वन प्राइम नंबर होता है, यानी वन भी किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन वन इज नॉट अ प्राइम नंबर. रीजन बीइंग, प्राइम नंबर्स में हम कह रहे हैं कि दो फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक वन. लेकिन जब हम वन की बात करते हैं तो वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो है वन. अब इसे वन कह लो या नंबर इटसेल्फ कह लो, लेकिन इसका और कोई फैक्टर नहीं होता. सो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली वन फैक्टर, क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है. ओके, नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर्स. सिंपल वर्ड्स में जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, मतलब जो अपने अलावा भी किसी और नंबर के टेबल में आती है. मतलब वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी उनके कोई फैक्टर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा ले लिया फोर. अब इसके फैक्टर, वन सबका फैक्टर होता है, फोर अपने उस टेबल में तो आएगा ही, साथ में टू के टेबल में भी आता है. तो हमने देखा कि दो से ज्यादा फैक्टर है. ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स में जो किसी के भी टेबल में आते हैं वो नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर होते हैं. सो द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, वन से, अब नंबर इटसेल्फ से और किसी भी और नंबर से, और सॉरी अदर नंबर और नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर. अब इसमें एक नंबर है ज्यादा, से अगर हम सिक्स लें तो वन का उसका फैक्टर हो गया, ठीक है, नंबर इटसेल्फ हो गया, टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे दो से ज्यादा है. सो नंबर या नंबर्स उसके फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन एटसेट्रा. ठीक है, फोर टू के टेबल में आता है, सिक्स हमने देखा टू थ्री दोनों के टेबल में आता है, एट टू के टेबल में भी आता है, फोर के टेबल में भी आता है, नाइन थ्री के टेबल में आता है, टेन हमारा फाइव के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है. तो मतलब ये सारे नंबर्स हमारे कॉम्पोजिट हो गए. अब आएगा क्या वन हमारा कॉम्पोजिट में आता है. सो वन इज नीदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. वन ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्योरम 1.1. सो बेसिकली अब जो नए टॉपिक्स हमारे पास आएंगे चैप्टर में उन पे आ जाते हैं. तो थ्योरम 1.1 है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. ऑल्सो इसके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. काफी क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट जब करेंगे सबसे पहले इसी के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सैटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. अभी पढ़ोगे लगेगा अरे क्या कुछ समझ नहीं आया. सिंपल वर्ड्स में है ये बेसिकली, ये आप मैं बोलूंगी तो लिखूंगी तो याद आ जाएगा. डिविडेंड हमारा इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमेंडर. जब भी हम कोई डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर मुझे 10 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, सो ये मेरा होगा 3 इंटू 3 9 और ये बच गया 1 हमारा रिमेंडर. तो इसको लिखेंगे कैसे, 10 क्या है डिविडेंड जिससे डिवाइड किया, तो 10 कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू 3 हमारा डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई. यहाँ पे क्वेश्चन भी सेम आ गया, क्वेश्चन हमारा होता है जो आंसर आया प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है. सो ये जो है इसी को ही इसकी फॉर्म में दे दिया, बस डिविडेंड को ए बोल दिया, डिवाइजर को बी बोल दिया, क्वेश्चन हमारा क्यू है और रिमाइंडर हमारा आर है. तो बस इसी को, ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होती है इसी को यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ. आगे जाके हम इसके बेस क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए हो गया डिविडेंड,
जिससे हमें जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, बी हो गया डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्यू हमारा क्वोशेंट और आर हमारा रिमाइंडर। अब इसमें क्या होता है, ये जो रिमाइंडर है बड़ी बेसिक चीज है, ये हमेशा जीरो से बड़ी होगी या जीरो के, अब रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता। सो या तो ये जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा, और बी से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। बी क्या है, डिवाइजर है, ऑब्वियसली इससे बड़ा कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर लेट सपोज रिमाइंडर थ्री आ रहा होता तो हम पॉइंट लगाते तो थ्री वन से थ्री हो जाता है, इससे बड़ा आता तब भी हम थ्री वन से थ्री करते, है ना। सो दैट मीन्स कि ये जो हमारा रिमाइंडर है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और बी से बड़ा मतलब डिवाइजर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सो लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। अब आपके पास है 4, 5, 5 and 42। अब इस एल्गोरिथम की हेल्प से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ले लिया हमने 4, 55, इसको डिवाइड करना है हमें 42 से, तो वी बिगिन विद 42 वन से करेंगे, 42 आ गया, ये हो गया 5, 5 में से 2 माइनस किया 5 गया, 4 गया 35 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 35 से छोटा तो नहीं होगा, सो 0 से ही करना पड़ेगा, 0 से किया 0 आ गया और यहाँ पे बचा 35। सो अब इसको लिखेंगे कैसे हम कि 4, 55 हमारा क्या हुआ A, 42 क्या हुआ B, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं, एंड 10 हमारा Q हो गया, जो रिमाइंडर बचा है वो हमारा R हो गया। सो आई कैन राइट जो एल्गोरिथम है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, तो 4, 55 को मैं लिख सकती हूँ, B क्या है 42 इंटू क्वेश्चन क्या है 10 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 35। ओके, बट नाउ इन दिस एल्गोरिथम हम ये तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। सो अब 35 यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो 35 हमारा बन जाएगा डिवाइजर। अब इसको डिवाइड करेंगे 42 से, जैसे 42 यहाँ पे है ना, इसको यहाँ ले आएंगे तो अब हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 35 जो रिमाइंडर है। अब देखो क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालते हैं, सो 35 को अगर हमें 42 से करना है, 2 से करेंगे तो बड़ा ही हो जाएगा, फिर से 1 से करेंगे, ये आ गया 35 और ये हमारे पास बचा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो वी हैव 4, 5, 6, 7 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 3 ही बचा ही, मतलब ये 7 ही रहेगा। तो नाउ आई कैन राइट 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 7। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, आगे स्टेप को चलाएंगे, अभी 35 इधर आ जाएगा और जो रिमाइंडर था उसको अब हम उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आया 35, सो ये हो गया 7 इंटू 5, 35। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, तो ये हो गया 7 इंटू 5 किया प्लस 0। गॉट इट। सो यहां तक डिविजन इसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम यहां तक इसको करेंगे जब तक ये 0 नहीं आता। ऑल्सो इसकी हेल्प से हम हाइएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, विच इज HCF। तो इन दो नंबर्स में अगर आपको HCF निकालना है, यूक्लिड्स लेमा से, यूक्लिड्स का जो डिविजन एल्गोरिथम है उससे निकालना है, तो HCF क्या होगा, जो भी आपका लास्ट स्टेप है उसमें जो डिवाइजर है, मतलब लास्ट में जब आपके पास 0 आया तब आपने किस से डिवाइड किया, तो वो हमारा HCF हो जाएगा। तो देयरफॉर इन दोनों का HCF 7 हो गया। ओके, सो एक तो हमने यहाँ पे डिविजन एल्गोरिथम समझ लिया और हमने यहाँ पे समझा कि इसकी हेल्प से हम HCF भी कैसे निकाल सकते। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज थ्योरम 1.2। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जो भी कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही, कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसके ज्यादा वन और नंबर इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या हम उसको कह सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। अब ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कितनी मुश्किल से थ्योरम आ गई, सिंपल सा वो बोल रहे हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, सबसे छोटा जैसा कोई भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज 10 ले लिया मैंने, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टराइज। अब प्राइम फैक्टराइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसके फैक्टराइज करके लिखेंगे तो हमारे पास प्राइम नंबर्स आएंगे। लेट्स सी हाउ, देखो इसको 2 से करेंगे 5 आ गया, 5 से किया
1 आ गया. सो 10 को आई कैन राइट 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. सो ये क्या किया मैंने, इसको फैक्टराइज किया. एंड नाउ पढ़ते हैं दोबारा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. देख लो 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स आए हैं, ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. यूनिक फैक्टराइजेशन है ये, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर. अब इसमें ऑर्डर नहीं माना जाता, जैसे ये 10 है तो लेट सपोज मैंने इसे पहले 5 से किया होता तो 5 यहाँ पे 2 आता, फिर 2 से कटी तो 1 आता. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता. अगर मैं इसको 5 इंटू 2 भी लिखूंगी तो भी इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. यहाँ तो 2 ही है, अगर ज्यादा भी होंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता. फाइनली आपके पास फैक्टर्स वही आएंगे, ठीक है. सो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास है 3 2 7 6 0, ठीक है. अब हम इसको कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइज. सो हियर देखो, अब यहाँ पे लास्ट में 0 है तो जी आप इसको 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, ठीक है. और हो सकता है इसको प्लस करें तो इसका सम 3 आ जाए. तो हम 3 से, मतलब 3 का मल्टीपल आए तो 3 से भी डिविजिबल है. एक बार देख लेते हैं 7 8 9. हाँ तो देखो अभी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. तो आप किसी से भी करोगे आप कर सकते हो. तो मतलब किसी भी ऑर्डर में ये हो सकता है. वील बिगिन विद सबसे छोटा नंबर. सो 2 से स्टार्ट करते हैं. वील गेट 2 1 2, यहाँ पे हो गया 12, 2 6 12, 2 3 6, तो यहाँ पे हो गया 16, 2 8 16 और साथ में 0. फिर से 2 से कर सकते हैं, लास्ट में 0 है क्योंकि. तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 1 2, 18 आया, 2 9 18 और फिर से 0. फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 4 8 एंड यहाँ पे 0 करना पड़ेगा क्योंकि 1 है, 19 है, 2 9 18 हो जाएगा, बचा 10, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है. अब इसको देखते हैं, 5 से तो हो ही जाएगा डिविजिबल, 5 6 7 8 9. सो 3 से भी डिविजिबल है, 3 से कर लेते हैं. सो यहाँ पे होगा हमारे पास 3 1 3, 10 बचा, 3 3 9, 19 आ गया, 3 6 18 बचा 15, तो 3 5 15. अब देखो 5 6 अगेन 3 से हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 4 12 बचा 16, 3 5 15 बचा 15, अगेन 3 5 15. सो नाउ वी हैव 4 5 5 10 14. अभी 3 से नहीं होगा तो इसको 5 से कर लेते हैं. सो ये हो गया जी 5 9 45 एंड 5 1 5. अब 91 7 से हो सकता है. सो 7 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ऑल्सो 13 से भी हो सकता है. तुम छोटा नंबर ले रहे हैं पहले, तो ये बचा जी 7 1 7, 21 आ गया, 7 3 हमारे पास 21. सो ये हो गया जी 13 और ये आ गया 1. तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखेंगे, 3 2 7 6 0 इक्वल्स टू 1 2 3 टाइम्स 2 है, सो 1 2 3 एंड 2 टाइम्स हमारे पास 3 है, 3 into 3 एंड देट इंटू 5 into 7 into 13, ठीक है. सो फैक्टर्स यही रहेंगे, आप किसी भी ऑर्डर में कर लो. अगर आप इसे 5 से भी स्टार्ट करते तब भी आपके पास घूम फिर के यही फैक्टर्स आते. जैसे अगर इस स्टेप के बाद में बताती हूँ आपको, यहाँ पे 91 आ गया था मेरे पास, ठीक है. अब अगर मैं इसको 13 से करती, 13 7 91, फिर 7 से हो जाता. चाहे 13 7 हो या चाहे 7 13, तो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं बट फैक्टर्स आपके वो ही रहेंगे. सो ये थी हमारी थ्योरम 1.2. सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 1. अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर का फिनिश नहीं हुआ, इसके आगे के टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय फॉर नाउ.